जनपद संभल में नवनिर्मित थाना कैला देवी का शुभारंभ जिलाधिकारी संजीव रंजन और पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा द्वारा फीता काटकर किया गया, जिसमें थाने से संबंधित सभी गांव के प्रधानों की बैठक की गई। बैठक में एसपी चक्रेश मिश्रा ने सभी ग्राम प्रधानों को निर्देशित करते हुए कहा कि गांव में छोटी मोटी समस्याएं होती हैं तो इनका निपटारा आपके द्वारा गाँव में ही करा दिया जाए तथा गाँव में किसी भी प्रकार की बड़ी समस्या होने पर तुरंत सूचित किया जाए। जिलाधिकारी संजीव रंजन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए आपके क्षेत्र में नव निर्मित थाने का निर्माण किया गया है, जिससे लोगों को किसी प्रकार की समस्या ना आ सके। ग्राम प्रधानों की छोटी छोटी समस्याओं को तुरंत निस्तारित करने के निर्देश दिए गए, जिससे कि किसी प्रकार की बड़ी घटना न हो पाए। इसके साथ एसपी ने सभी पुलिस कर्मियों को निर्देश देते हुए कहा कि क्षेत्र में प्राइवेट असलाह या अन्य प्राइवेट हथियार वालों को चिन्हित कर तुरंत कार्यवाही करें। उन्होंने बताया कि अपराधी रजिस्टर कम से कम भरना चाहिए, छोटी मोटी समस्याओं का तुरंत निस्तारण किया जाए, किसी भी प्रकार की शिकायत थाने में आती है तो उसे लंबित ना किया जाए। सभी चौकी प्रभारियों को निर्देशित करते हुए कहा गया कि अपने अपने क्षेत्र में जनता पर विश्वास बनाए रखें और उन्हें हमेशा न्याय दिलाने का काम करें। जी सर, आज ये कैला देवी का जैसा उद्घाटन हुआ है थाने का, क्या ये कैला देवी यहाँ का एक प्राचीन प्रसिद्ध मंदिर है और ये क्षेत्र पूर्व में अपराध के लिए जाना जाता रहा है, तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ पर अभी सभा हुई थी 2 महीने पहले, उसमें उनके द्वारा घोषणा की गई थी और ये इस थाने को आज से शुभारम्भ किया गया है। इसका इसमें अभी एक SO और 5 सब इंस्पेक्टर और 35 के करीब सिपाही पोस्ट किए गए हैं, 5 महिला कांस्टेबल भी पोस्ट की गई हैं। इसके साथ में ये अभी अस्थाई भवन में जो मेडिकल विभाग का है उसके अस्थाई भवन में इसको प्रारंभ किया जा रहा है। उम्मीद है कि ये थाना जनता की जो अपेक्षाएं हैं, जो समस्याएं हैं, उनको पूरा करने में सावधानी पूर्वक और ईमानदारी से काम करने में सक्षम होगा। इसके साथ में मैं यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को और क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूँ कि उनकी ये करीब 10 वर्ष की जो मांग है उसको उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आज पूरा किया जा रहा है। धन्यवाद। थाने का उद्घाटन किया गया है, मुख्यमंत्री आए थे ठीक 2 महीने पहले और ठीक दो महीने बाद आज थाना मिल गया है क्षेत्र को, क्या कहना चाहेंगे सर? क्या है सरकार के द्वारा 3 नए थानों का सृजन किया गया है जनपद संभल में और ये पहला थाना है उन 3 थानों में जिसका आज से शुभारम्भ कर दिया गया है और जो शेष 2 थाने हैं उसका भी जल्द से जल्द हम लोग व्यवस्था करके उसको शुरुआत कराएंगे। बस मेरा इस अवसर पर यही कहना है कि इस थाने के समारोह में होने से इस क्षेत्र की जो जनता है उन्हें काफ़ी आसानी होगी और अपराध के नियंत्रण करने में हमें काफ़ी मदद मिलेगी।